सेट नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं बना? तो बी डी इसका राइट है श्री कमलनाथ, भारत का वित्त मंत्री कभी नहीं बना। इंडिया गेट स्थित है दिल्ली में स्थित है। खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? गोल्फ से है, और इसका राइट है मलयालम भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। अगला है, 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? टोक्यो में होगा। भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? केरल की है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन है? भारत का क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? राकेश शर्मा है। भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? भारत के गृह मंत्री का नाम है श्री राजनाथ सिंह। अगला है, अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? तो डी इसका राइट नर्मदा। भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो ए इसका राइट है मैकमोहन राइल। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सी इसका राइट है असम। असम और सेट नंबर यहाँ पर सेकंड है। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? श्रीनगर। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो सी इसका राइट नार्वे। सत्यमेव जयंती कहाँ से लिया गया है? मंडोक उपनिषद से लिया गया है। अगला है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल। बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? तो बी इसका राइट है असम। अगला क्वेश्चन है, लंदन किस नदी किनारे स्थित है? लंदन किस नदी किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, टेम्स नदी किनारे स्थित है। ठीक है, इस बुक में कई सारों का आंसर गलत दे रखा है। ठीक है, कई बार इसमें थेम्स दे रखा है, कई बार टेम्स दे रखा है, बस इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्स, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है, नक्शे का प्रयोग क्या खोजने के लिए किया जाता है? तो दूरी, दिशा, लंबाई, उपरोक्त सभी इसका डी इसका राइट है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। अभी विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया? 1961 में करवाया था। अगला है, पेरिस किस नदी किनारे स्थित है? तो राइट आंसर इसका ए है, सीन। नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो 14 का आपका डी हो जाएगा राइट, इसका इनमें से कोई नहीं है। अगला है, N1H1 क्या है? N1H1 क्या है? सी इसका राइट है स्वाइन फ्लू। सेट नंबर थर्ड फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा करेंसी की छपाई कहाँ होती है? RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग भारत में फुटबॉल के खेल को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रयास है। अगला है, माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? बिछेंद्री पाल थी। भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? तो इसका राइट है सेंट थॉमस। प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन पॉलिसी कहाँ पर लागू हुई थी? दिल्ली में हुई थी। वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है? तो बी इसका राइट है ईरान। मद्रास का युद्ध कब हुआ? मद्रास का युद्ध हुआ था 1746 में। अगला है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो सी इसका राइट है आंध्र प्रदेश। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। अगला है, भारत में योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी 2015 को नए आयोग की स्थापना कर दी गई, उसका नाम क्या है? नीति आयोग। और इसके जो हेड होते हैं प्रधानमंत्री होता है, याद रखना। श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या मिला था उनको? ए इसका राइट है भारत रत्न। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ए इसका राइट है दिल्ली में, सीपी की साइड है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया। सेट नंबर फोर्थ फर्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? तो लूनी नदी को कहा जाता है। अगला है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 20 का राइट है वैशाली। रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो राइट आंसर का है बी, कालिदास ने।
पंसिल पर किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर हुए थे? पंसिल पर हुए थे भारत और चीन के हस्ताक्षर। प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है? 20 घंटे श्रीनगर। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? राइट आंसर का ए है कोचीन। अगला है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका है बी, कैलाश सत्यार्थी को। हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है? डी में श्रीनगर। निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार अवार्ड है? तो राइट आंसर का सी है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो 20 का राइट है बाघ। अगला है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? साइना नेहवाल है बैडमिंटन से संबंधित। सेट नंबर 5 फर्स्ट क्वेश्चन, सन 2012 में ओलंपिक प्रतियोगिता कहाँ पर होगी? राइट आंसर का बी है। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? डी इसका राइट है, इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? ए इसका राइट है 1920। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? 20 का राइट है कैनबरा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। अगला है, सन 2007 का नोबल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? राइट आंसर इसका है डी, इनमें से कोई नहीं है। निम्न में से कौन सा जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया? तो कुत्ता है। अगला है, सन 2008 में 34वां G8 सम्मेलन की बैठक कहाँ हुई थी? 20 का राइट है चीन। भारत के द्वारा बनाया गया UAV का नाम क्या है? तो निशान। फतेहपुर सिकरी में इबाद खाना किसने बनवाया था? तो राइट आंसर का डी है, अकबर ने। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए इसका राइट है 28 फरवरी। हॉटलाइट क्या है? हॉटलाइट एक है दूर संचार कड़ी। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो डी इसका राइट है ईद उद मिलाद। जलीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? डी इसका राइट है तमिलनाडु। और सेट नंबर 6 है फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ए इसका राइट है शुक्र। प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? बी इसका राइट है पद्मती बंदोपाध्याय। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन प्रसिद्ध है बाघ के लिए। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? डी इसका राइट है न्यूयॉर्क। चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में एक चक्कर को पूरा करती है? तो ए इसका राइट है 28 दिनों में। सिंधु सभ्यता थी शहरी। अगला है, सबसे अधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? तो राइट इसका ए है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? सी इसका राइट है केरल। राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? ए इसका राइट राज्यपाल। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? ए इसका राइट है बांग्लादेश। कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? बी इसका राइट है हुगली। अगला है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ शुरू हुए थे? रियो द जेनेरियो में हुआ था। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? सिलिकॉन वैली है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन है? सी इसका राइट है सर सैयद मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का स्थापना हुआ था 1971 में। सेट नंबर 7 फर्स्ट क्वेश्चन, कोकाड़ मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। हुक किस खेल संबंधित है? तो है मुक्केबाजी। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए इसका राइट है कांगड़ा। वोट देने के लिए क्या जरूरी है? वोट देने के लिए है उम्र जरूरी होता है। अगला है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला है, जनगणना किस अंतराल में होता है? 10 वर्ष की अवधि के दौरान। इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ पर है? डी इसका राइट है देहरादून। अब्बुल फजल किसके शासनकाल में थे? ए इसका राइट है अकबर। बांग्लादेश विभाजन कब हुआ? 1971 में। अगला है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? ए इसका राइट है 14 नवंबर 1889। संविधान लागू कब हुआ? संविधान लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वोट देने के लिए उम्र होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। ईरान की राजधानी है? 20 का राइट है तेहरान। निम्न में से खाद्य फसल कौन सी है? डी इसका राइट है मक्का। सेट नंबर है 8 फर्स्ट क्वेश्चन, 1994 में दक्षिण अफ्रीका का पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बना? तो नेल्सन मंडेला था। आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? तो ए इसका राइट है मौलाना अब्दुल कलाम। किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया था?
तो 20 का राइट शाहजहां। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। वैसे हमारा राष्ट्रीय खेल कोई सा नहीं एक तरह से। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। अगला है, भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962 में। वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? डी इसका राइट है 21 जून। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो डी इसका राइट है कोई नहीं में से। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? बी इसका राइट है पेरिस। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? ए इसका राइट है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। श्रीलंका की राजधानी है, श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरम है, कोलंबो एक्चुअली नहीं है, जयवर्धनपुरम है इसका राइट, ठीक है। अगला है, फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया? फतेहपुर सिकरी किसने बनाया था? सी इसका राइट है अकबर। संसद के दो सत्रों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए? तो ए इसका राइट है 6 माह का, 6 महीने का। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? सी इसका राइट है गुजरात का। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा स्टील कारखाना कहाँ पर है? ए इसका राइट है जमशेदपुर में। सेट नंबर 9 फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2016 में निम्न में से ओलंपिक्स में सर्वाधिक पद किस देश ने जीता था? तो राइट आंसर का ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई थी? तो ए इसका राइट है गेहूं। रंग भेद का अर्थ क्या है? रंग भेद का अर्थ क्या है? जातीय भेदभाव। मैकबेथ नाटक के लेखक कौन है? तो शेक्सपियर है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो डी इसका राइट है नर्मदा। अगला है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो डी इसका राइट है सागर। शून्य काल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है? तो बी इसका राइट है 1 घंटा। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी और 30 अक्टूबर 1945 को इसमें भारत शामिल हो गया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री का संबंध किससे, इनमें से किससे है? तो सी इसका राइट है अंटार्कटिका से। निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। भारत द्वारा स्वनिर्मित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA का नाम क्या है? तो डी इसका राइट है तेजस। अगला है, लोथल किस युग का या फिर किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? सी इसका राइट है सिंधु घाटी। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? राउंड। निम्न में से कौन भारत रत्न सम्मानित नहीं है? डी इसका राइट इनमें से कोई नहीं, सारे सबको भारत रत्न मिल रखा है। सेट नंबर है 10 फर्स्ट क्वेश्चन, बैंकों की राजधानी है, बैंकों की राजधानी क्या है? थाईलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काला मोती के नाम से किसे जाना जाता है? काला मोती के नाम से जाना जाता है पेले को, ठीक है। ये क्या है, फुटबॉल एक खिलाड़ी है जिसको जाना जाता है काला मोती के नाम से। गंगटोक राजधानी है, गंगटोक किसकी राजधानी है? तो बी इसका राइट है सिक्किम। चाय मुख्यतः पाई जाती है, चाय कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी ढलानों पर। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील है उड़ीसा में। अगला है, लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है? तो सी इसका राइट है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर। आईएमए कहाँ पर स्थित है? तो सी इसका राइट है देहरादून में। बगीचों का शहर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ए इसका राइट है बेंगलुरु को। जैन धर्म के संस्थापक थे कौन? थे महावीर स्वामी। अगला है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? तो बी इसका राइट है सूर्य ग्रहण। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? तो तारापुर राइट है इसका। अगला क्वेश्चन है, संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? संसद के ऊपरी सदन कहते हैं राज्यसभा। कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? तो छिपकली उगा सकती है। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ए इसका राइट है परमवीर चक्र। सेट नंबर 11 फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कोपरा तापधर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ए इसका राइट है छत्तीसगढ़। कायक एक प्रकार की क्या है? बी नाव है। नासिक शहर किस नदी किनारे स्थित है? सी इसका राइट है गोदावरी। अगला, भारत का एकमात्र नौचालन परीक्षण यान? ए इसका राइट है INA थरंगिनी। विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ बहती है? कहाँ बहती है वो? दक्षिण अमेरिका में। संविधान की कौन सी सूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है? तो सी इसका राइट है 8वीं अनुसूची।
इनमें से किसका संबंध बैडमिंटन से है? 20 कैरेटे थॉमस कप। भारतीय सेना के कितने कमान होते हैं? 20 कैरेटे 7। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? 20 कैरेटे उत्तराखंड। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? 30 कैरेटे सरोजिनी नायडू। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के हैं आर के नारायण। सानिया मिर्जा किस खेल संबंधित है? टेनिस से है। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो हुई थी ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी, जो कि 1526 में हुई थी। और है सेट नंबर 12। आर्यों ने भारत के जिस इलाके पर कब्जा किया उस इलाके को क्या कहते हैं? तो एस कराइट सब सिंध। लोकसभा का नेता कौन होता है? सीस कराइट प्रधानमंत्री। मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु क्या था? 20 कैरेट तांबा। निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है? कुशीनगर। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? 21 कैरेट है गोमती। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा है इसमें से डी राइट है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, युआन है वैसे। निम्न में से कौन सा जानवर है जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया? कुत्ते को भेजा गया था। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो 20 कैरेट है भूकंप। दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है? तो 20 कैरेट है कावेरी नदी। भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार कौन सा है? 20 कैरेट है भारत रत्न। कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था? तो 21 कैरेट है कोलंबिया। मधुमलाई पुष्प स्थान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर का सी है तमिलनाडु। अगला है डूरेंड कप किस खेल से संबंधित है? एज करेक्ट है फुटबॉल। और अगला है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। सेट नंबर 13 फर्स्ट क्वेश्चन। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? सी इज करेक्ट राज्यसभा करता है। निम्न में से किस शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सी इज करेक्ट श्रीमती भंडार नाइके। अगला क्वेश्चन है कमायनी के लेखक कौन है? सी इज करेक्ट जयशंकर प्रसाद। नाइटलिंग ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थी कौन? प्रसिद्ध थी सी इज करेक्ट सरोजिनी नायडू। निम्न में से वर्तमान में तमिलनाडु में किस पार्टी का शासन है? डी राइट है ADMK। संतोष ट्रॉफी संबंधित है, संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल संबंधित। भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ पर स्थित है? सी इज करेक्ट तारापुर। निम्न में से कौन से देश का लिखित संविधान नहीं है? इंग्लैंड का लिखित संविधान नहीं है। मोहनजोदड़ो स्थित है, सी इज करेक्ट है सिंध में। अगला है हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है, सी इज करेक्ट झारखंड। मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा कौन सी थी? सी इज करेक्ट है पारसियर। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। द इनविजिबल मैन के लेखक है HG वेल्स। सेट नंबर 14। पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हिरोशिमा। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रैबिज होती है। 20 का राइट है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद उसकी राजधानी है। अगला है भारत में परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो एस का राइट है, ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट है आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 20 कैरेट है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। DDT क्या है एक? तो 20 कैरेट है कीटनाशक है। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? 20 कैरेट है बाघ। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20 कैरेट है इनमें से कोई नहीं है। लोकसभा में अधिकतम संख्या होती है 552, ठीक है, और वर्तमान में 545। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो एस करेक्ट है ऑस्ट्रेलिया। भारत झंडे में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24 तिल्लियाँ होती हैं।
अगला है, सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा थे। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है, कौन सा है? सिस्मोग्राफ। सेट नंबर 15, फर्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो 20 का राइटर सुभाष चंद्र बोस। सन 2020 का ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किया जाएगा? टोक्यो इसका राइट आंसर है। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो झेलम नदी किनारे बसा हुआ है। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार है। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? 20 का राइट फुटबॉल। भारत में पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा कहां पर शुरू किया गया था? इसका राइट है कोलकाता। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 का राइट है 14 नवंबर, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन इस दिन हुआ था, जन्मदिन। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राइट आंसर इसका है। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? 20 का राइट है, वैसे इसका राइट होगा शुक्र ग्रह। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो तबला राइट आंसर है। निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो सी इसका राइट होगा मिजोरम। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? ए इसका राइट राकेश शर्मा। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। सेट नंबर है 16, फर्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व गोवा पर किसका राज था? तो पुर्तगालों का शासन था उसमें। भारतीय मानक समय 1906 में आरंभ हुआ था। कुमारी अपर्टा पोपट्स डैश खेल संबंधित है। तो सी इसका राइट है बैडमिंटन। असहयोग आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान कौन सा है? तो लुम्बिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, और कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुई थी नथुराम गोडसे के द्वारा। H1N1 वायरस किसको फैलाता है? सी इसका राइट है स्वाइन फ्लू। निम्न में से कौन सा जानवर मीन राशि से संबंधित है? ए इसका राइट है मछली। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल से संबंधित है। डाक पते में उपयोग किए गए पिन नंबर का विस्तृत मतलब पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आपका 20 राइट होगा, पोस्टल इंडेक्स नंबर। सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? डी इसका राइट है गुरु ग्रंथ साहिब। मछली किससे सांस लेती है? गिल के द्वारा सांस लेती है, गलफड़े के द्वारा। मणिपुर की राजधानी है, 20 का राइट है इम्फाल। सेट नंबर 17, फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला छाता किस देश ने बनाया था? तो सी इसका राइट है चीन। सिकंदर महान भारत कब आया? तो कब आए थे वो, तो डी इसका राइट है 326 BC में। महाभारत में अर्जुन पुत्र थे, अर्जुन के पुत्र कौन थे? तो पांडु के। अगला है, अन्ना हजारे किस राज्य के रहने वाले थे? किस राज्य के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के। लगान फिल्म किस खेल संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है वो। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में वो हुआ था। अगला है, लज्जा नामक किताब की लेखक लेखिका कौन है? तो 20 का राइट है तस्लीमा नसरीन। श्री हरि कोटा किस राज्य में स्थित है? तो 8वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो सी इसका राइट है खगड़ वासला में। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राइट है इसका, ए आंसर सही है। अगला है, 2020 वर्ष में होने वाले ओलंपिक कहाँ पर आयोजित होंगे? तो टोक्यो इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट है। अगला है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। इनकम टैक्स कौन लगाता है? इनकम टैक्स लगाता है केंद्र सरकार। पांच रंग का झंडा किस देश का है? पांच रंग का झंडा किस देश का है? तो पुर्तगाल का है वो। वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? डी इसका राइट है 22 दिसंबर। सेट नंबर 18, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? सी इसका राइट है स्वामी दयानंद ने। पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो डी इसका राइट है सीन। पंचमहल किस शहर में स्थित है? तो सी इसका राइट है फतेहपुर सिकरी। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? डी इसका राइट है बौद्ध
बौद्ध धर्म से। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? नर्मदा। 20 का राइट है। छठा क्वेश्चन है, जामा मस्जिद स्थित है दिल्ली में, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर है? तो ए इसका राइट है हैदराबाद। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? डी इसका राइट है कलकत्ता। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सी इसका राइट है अब्दुल गफ्फार खान। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? बी इसका राइट है आर के नारायण। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो 11वें का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। तीर्थस्थल ऋषिकेश किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो बी इसका राइट है गंगा। केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवान शिव के लिए वो प्रसिद्ध है। तो उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी हुई है? डी इसका राइट है तिब्बत और नेपाल। निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था? बी इसका राइट है अरबी। सेट नंबर 19 फर्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम क्या है? तो बी इसका राइट है तस्लीमा नसरीन। श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो सी इसका राइट है आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? खगड़वासला में स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राइट आंसर है इसका। भारत ओलंपिक 2016 में कुल पदक जीतने के मामले में कौन सा स्थान पर रहा था? तो बी इसका राइट है 67। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल। वेदों में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो ए इसका राइट है ऋग्वेद। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो डी इसका राइट है संतूर। लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? लोकसभा के होनी चाहिए 25 वर्ष। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो सी इसका राइट है हॉकी। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? बी इसका राइट है भूकंप भूमध्य रेखा। एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बिछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन है 14वां, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो बी इसका राइट है पश्चिम बंगाल। तिरंगे झंडे में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? 24 तिल्लियां होती हैं। सेट नंबर 20 फर्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाले प्रथम विदेशी यात्री का नाम क्या है? मैक्सनीज। एक छोटी चिड़िया जो पीछे की ओर उड़ सकती है, हमिंग बर्ड। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो वो है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो ए इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली धीमी गति से बढ़ने वाली हिम नदी क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति थे? राजेंद्र प्रसाद। अगला है, फिलीपींस की राजधानी का नाम क्या है? बी इसका राइट है मनीला। नेपाल देश की राजधानी है काठमांडू। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। स्वाधीनता की पहली लड़ाई सन 1857 को हुई थी। भारत का पहला सैटेलाइट उपग्रह है, उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका राइट है आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख का दर्जा किसे हासिल है? राष्ट्रपति को। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को कहा जाता है। सेट नंबर 21 फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तुलसीदास। इनमें से भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो इसका राइट है मौर्य। प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक हैं? तो इसका राइट है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है, भारत चीन की सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगला है, पेरिस किस नदी किनारे बसा हुआ है? डी इसका राइट है सीन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध से संबंधित है? तो सी इसका राइट है कुशीनगर। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस किताब से लिया गया है? तो राइट आंसर इसका आनंद मठ है। और अगला क्वेश्चन है, रूस के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो बी इसका राइट है ड्यूमा। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गाइड किताब के लेखक कौन है? तो सी इसका राइट है आर के नारायण। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। और इसका 15 क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सी इसका राइट है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। सेट नंबर है 22 फर्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बी इसका राइट है बुध। मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने कब की थी? तो बी इसका राइट है 1922। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ए इसका राइट है महानदी पर।
अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो इसका राइटर सरोद। किस राज्य में संथाल की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो पांचवे का आपका राइटर ए हो जाएगा झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो छठे का आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा राउरकेला उड़ीसा। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो 20 का राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश। भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका राइट है सिस्मोलॉजी। भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? सी इसका राइट है वाराणसी से कन्याकुमारी तक। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार आपका स्थित है हैदराबाद में। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। गुजरात की राजधानी है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। बनसागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट है सोन। और इसका 15वां क्वेश्चन है, आग बुझाने के यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सेट नंबर 23 फर्स्ट क्वेश्चन, अशोक महान का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो 20 का राइट है कलिंग का युद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए इसका राइट है 563 BC में। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ए इसका राइट है विशेष खिलाड़ियों को। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? बी इसका राइट है श्रीनगर। मध्य रात्रि का सूर्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो सी इसका राइट है नॉर्वे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मंडोक उपनिषद से लिया गया है। मेघदूत के लेखक कौन है? तो इसका राइट है कालिदास। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट है बृहस्पति। इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है? सी इसका राइट है मुख्य न्यायाधीश। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट है उड़ीसा। मिजोरम की राजधानी है, मिजोरम की राजधानी है इसका राइट है आइजोल। बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? तो बी इसका राइट है असम का। लंदन किस नदी किनारे बसा हुआ है? सी इसका राइट है थेम्स। मानचित्र की मदद से दिशा दूरी ऊंचाई ये सभी जुड़ जा सकते हैं। भारतीय सशस्त्र सेना का कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होते हैं। सेट नंबर 24 फर्स्ट क्वेश्चन, सफेद क्रांति क्यों लॉन्च हुई थी? तो सी इसका राइट है दूध और अंडे के उत्पादन में तेजी आने के लिए। पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर गिराया गया था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। एग मार्क किसका ट्रेडमार्क है? तो इसका राइट है खाद्य सामग्री का। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट है नई दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? इसका राइट है मुंबई। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो सी इसका राइट है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की थी? इसका राइट है विश्व भारती महाविद्यालय। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो डी इसका राइट है जेएल बेयर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ई देशांतर पर स्थित डैश जगह का स्थानीय समय है? तो इसका राइट है इलाहाबाद। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो डी इसका राइट है नेपच्यून, वरुण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय झंडे के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां। गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। सेट नंबर 25 फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 16 गज का हिट संबंधित है किस खेल संबंधित है? तो सी इसका राइट है हॉकी से। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है? सी इसका राइट है बांग्लादेश। कौन से राज्य की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है? तो बी इसका राइट है गुजरात। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में स्थित है? तो बी इसका राइट है मध्य प्रदेश। जवाहरलाल नेहरू खेलकूद एथलीट्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? 20 का राइट है दिल्ली में। बोकारो औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? सी इसका राइट हो जाएगा झारखंड। श्री मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। प्रथम महिला जिसने ब्रिटिश चैनल पर काम किया था, पार किया था, ठीक है, तो आरती साहब वो। अगला है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, जितनी हमारी आर्मी की दौड़ होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो सी इसका राइट है चंद्रमा। पहला एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो बी इसका राइट है नई दिल्ली। दीन ए इलाही का संस्थापक कौन था? तो ए इसका राइट है अकबर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और सेट नंबर है 26 फर्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? सी इसका राइट है कानपुर।
मिडनाइट चिल्ड्रेन नामक पुस्तक को लिखा था, किसने लिखा था? तो बी इसका राइट होगा, सलमान रुश्दी ने। गोल गुंबज कहां पर स्थित है? ए इसका राइट है कर्नाटक। सिमिलीपाल राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा में स्थित है। असम में स्थित काजीरंगा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो गेंडे के लिए प्रसिद्ध है वो। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या है? तो सी इसका राइट है मनुबाई। भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ी थी, क्या नाम है उसका? संतोष यादव नाम है। H1N1 क्या है? एक स्वाइन फ्लू है वो। पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? तो मिस्र में पाए जाते हैं वो। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। संतोष ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? सी इसका राइट है फुटबॉल। भारत और पाक के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो डी इसका राइट है 1972। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? तो अशोक थे। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण कहाँ पर स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता। सेट नंबर 27, फर्स्ट क्वेश्चन। टहरी झील की योजना किस राज्य में है? तो राइट आंसर का ए हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानव के चर्म का रंग किससे बनता है? तो डी इसका राइट हो जाएगा, मैला निन के कारण। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो सी इसका राइट हो जाएगा 12। भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब करवाया गया था? तो 1952 में करवाया गया था। मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ए इसका राइट है असम। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोधी में हुई थी। हर्षवर्धन के काल में चीन से आए पर्यटक का नाम क्या है? तो बी इसका राइट हैंसाक। आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? तो बी इसका राइट है कुचिपुड़ी। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ए इसका राइट है सुंदरलाल बहुगुड़ू ने। टेलीविजन के आविष्कारक का नाम क्या है? तो बी इसका राइट है जे एल बेयर्ड। भारत स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो बी इसका राइट है 1905। हीराकुंड बांध किस राज्य में बना है? तो ए इसका राइट है उड़ीसा। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो बी इसका राइट है अरब सागर में। साइमन कमीशन का संबंध किससे है? तो बी इसका राइट है संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था से। सेट नंबर 28, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? डी इसका राइट है असम। जामा मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है। नगरहोल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ए इसका राइट है कर्नाटक। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सी इसका राइट है एपीजे अब्दुल कलाम। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ए इसका राइट है गुरु गोविंद सिंह। बुल्स और बियर्स शब्दावली का संबंध किससे है? तो सी इसका राइट हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज से। हैरी पॉटर चलचित्र में मुख्य भूमिका निभाने वाला बाल कलाकार का नाम क्या है? तो इसका राइट है डैनियल रेडक्लिफ। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट है तमिलनाडु। निम्न में से कौन सा धातु स्टेनलेस स्टील में है? इसका राइट है 6 अगस्त 1945 में किस शहर पर परमाणु बम से हमला हुआ? तो राइट आंसर का सी हो जाएगा हिरोशिमा। पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? मिस राइट आंसर है। राजघाट कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका राइट है गोमती। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सेट नंबर 29, फर्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब करवाया गया था? 1952 में। सन 2022 का कॉमनवेल्थ खेल किस देश में आयोजन किया जाएगा? तो सी इसका राइट है साउथ अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, कालिदास पुस्तक किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कला और अभिनय से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? डी इसका राइट है एनी बेसेंट। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सी इसका राइट है औद्योगिक विज्ञान में। ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ए इसका राइट है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो बी इसका राइट है उड़ीसा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सी इसका राइट है लंदन। किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है? तो डी इसका राइट है लाला लाजपत राय। पुलित्जर
पुरस्कार किससे जुड़ा है? तो इस करेक्ट है जर्नलिज्म में से। भारत में चलित न्यायालय इनका मानक पुत्र है, तो इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति भगवती। भारत में रेल सर्वप्रथम कब चली थी? 1853 में मुंबई से ठाणे तक चली थी। हमारे राष्ट्रगान के गायन का समय कितना है? 52 सेकेंड। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 20 करेक्ट है, राष्ट्रपति। और सेट नंबर 30 है, फर्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। भारत भारत ने गोवा को पुर्तगालों से कब आजाद करवाया था? 1961 में। पेरिस किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो इसका राइट है सीन। राष्ट्रीय वनस्पति बाग कौन से शहर में स्थित है? तो इसका राइट है लखनऊ। H1N1 क्या है? ये एक स्वाइन फ्लू है। प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ पर स्थित है? तो 20 का राइट है गोवा। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? तो इसका राइट है महात्मा गांधी सेतु पुल। पश्चिम तट पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो डी इसका राइट है मुंबई। किस देश को नील नदी का वरदान प्राप्त है? तो सी इसका राइट है इजिप्ट। नोरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो 20 का राइट है उत्तर प्रदेश। भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी है? तो 20 करेक्ट है सड़क निर्माण। बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? तो सी इसका राइट है कथक नृत्य के कारण। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो ए इसका राइट है 26 मार्च। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? ए इसका राइट है सुंदरबल बेवगुडू ने। सेट नंबर 31, फर्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो सिलोन है। हे राम किस नेता की समाधि पर लिखा हुआ है? तो महात्मा गांधी राइट है इसका। पटना शहर किस नदी पर बसा हुआ है? तो 20 का राइट है गंगा नदी। भारत के लिए किस राज्य में भरपूर मात्रा में लिग्नाइट पाया जाता है? तो राइट इसका डी है तमिलनाडु। भारत में किस स्थान पर औसत सर्वाधिक वर्षा होती है? तो 20 का राइट है माओ सिंड्राम। निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो ए इसका राइट है कोलंबिया। थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो 20 का राइट है आंध्र प्रदेश। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है वो। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? तो 20 का राइट है अशोक। फेडरेशन कप किस खेल संबंधित है? तो 20 का राइट है फुटबॉल। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण कहाँ पर स्थित है? सी इसका राइट है कोलकाता। भारत और पाकिस्तान को किन दो शहरों के बीच बस सेवा आरंभ हुई? तो सी इसका राइट है दिल्ली से लाहौर। गिर वन कहाँ स्थित है? डी इसका राइट है गुजरात में। सेट नंबर 32, फर्स्ट क्वेश्चन, धार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ए इसका राइट राजस्थान। बैंकॉक किसकी राजधानी है? थाईलैंड की है। सुंदरवन क्या है? सुंदरवन एक है डेल्टा। पंडित रविशंकर किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ए इसका राइट है संगीत। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बी राइट है बिछिंद्री पाल। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बी इसका राइट है न्यूयॉर्क में। नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था? 1901 में हुआ था। भारत की खोज के लेखक कौन है? तो 20 करेक्ट है जवाहरलाल नेहरू। कुचिपुड़ी नृत्य नाटिका किस राज्य से संबंधित है? तो डी इसका राइट है आंध्र प्रदेश। प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी कौन थी? ए इसका राइट है रीता फारिया। भारत में दिवस किस दिन मनाया जाता है? सी इसका राइट है 15 जनवरी। एडोल्फ हिटलर किस देश में पैदा हुए थे? तो डी इसका राइट है ऑस्ट्रेलिया ने। यूएसए का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट है जॉर्ज वॉशिंगटन को। निम्न में से कौन शहनाई बजाने में विश्व प्रसिद्ध थे? तो डी इसका राइट है बिस्मिल्ला खान। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सेट नंबर 33, फर्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो सी इसका राइट है कर्नाटक में। डूरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? 20 इसका राइट है फुटबॉल। टिग्रिस नदी किस देश में बहती है? तो सी इसका राइट है इराक। नारायण कार्तिकेयन निम्न में से किससे जुड़े हुए हैं? सी इसका राइट है मोटर खेल से। शकुंतलम ये किताब किसने लिखी थी? तो बी इसका राइट है कालिदास ने।
टेन डाउनिंग स्ट्रीट किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है? तो इसी इसका राइट है यूनाइटेड किंगडम। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे। मुगल वंश के अंतिम राजा का नाम क्या है? तो सी इसका राइट है बहादुर शाह जफर। भांगड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? सी इसका राइट है सतलुज। अमरनाथ गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो डी इसका राइट है जम्मू एंड कश्मीर। अंतरिक्ष में यान भेजने वाला पहला देश कौन सा था? तो बी इसका राइट है सोवियत संघ, USSR। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी? तो डी इसका राइट है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्लीप पॉइंट शब्द किससे संबंधित है? तो बी इसका राइट है क्रिकेट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ए इसका राइट है असम। वर्ष 2020 का ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो सी इसका राइट है टोक्यो में। सेट नंबर 34 फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विक्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अब्दुल कलाम आजाद जी हैं। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। अगला है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बीस का राइट है हीरेलाल जय कौनिया। बुल्स और बियर शब्दावली इस्तेमाल किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। अगला है अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो डी इसका राइट है दिल्ली में स्थित है। किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? तो लूनी नदी को कहा जाता है। दिसपुर शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कहां पर आयोजन किया जाएगा? तो कतर में होगा। बृहस्पति ग्रह कितने उपग्रह हैं? तो डी इसका राइट है 67 उपग्रह वैसे इसमें, ठीक है। अगला है साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रेंड मुद्रा है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो रावी नदी पर बना हुआ है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। सेट नंबर 35 फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में लड़के लड़कियों की क्रमशः शादी की न्यूनतम एज क्या है? तो 20 का राइट है 21 और 18। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला है कान्हा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मैक मोहन रेखा किन देशों की सीमाओं को दर्शाता है? तो डी इसका राइट है भारत और चीन। निम्न में से भारत की विदेशी गुप्तचर संस्था कौन सी है? तो डी इसका राइट है रॉ। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस। मथुरा किस नदी पर बसा है? तो ए इसका राइट है यमुना। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का ही है। चंडीगढ़ बनने से पूर्व अविभाजित पंजाब की राजधानी क्या थी? तो सी इसका राइट है जालंधर। राष्ट्रपति भवन में कौन सा मशहूर बाग स्थित है? तो सी इसका राइट है मुगल गार्डन। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सी इसका राइट है फुटबॉल। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किताब किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। सार्क में कितने देश शामिल हैं? तो डी इसका राइट है 8 देश। खुजराहो किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत और पाक के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? 1972 में किया गया था। सेट नंबर 36 फर्स्ट क्वेश्चन, गोवा कब आजाद हुआ था? 1961 में आजाद हुए थे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासन था शासक था? तो सी इसका राइट है मैसूर का। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लंदन में स्थित है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो डी इसका राइट है इनमें से कोई नहीं है। सरिस्का अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो डी इसका राइट है राजस्थान। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये क्रांतिकारी शब्द किसने कहा था? तो सी इसका राइट है सुभाष चंद्र बोस। किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी ने 1930 में दांडी मार्च किया था? नमक कानून को तोड़ने के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो सी इसका राइट है 35 वर्ष। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। भटनागर अवार्ड निम्न में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? तो डी इसका राइट है इनमें से कोई नहीं है। चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान हवेंग सांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इसका ए राइट है हर्षवर्धन। निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो डी इसका राइट है मध्य प्रदेश।
इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए इसका राइट है पेरिस। कथकली नृत्य भारत के किस राज्य में जुड़ा हुआ है? किस राज्य से जुड़ा हुआ है? केरल से जुड़ा हुआ है। सेट नंबर 37 फर्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो 20 का राइट है 1920। सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो 20 का राइट है चीन। ओलंपिक खेल कितने सालों के बाद में होता है? तो 4 साल। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मंडोक उपनिषद से लिया गया है। भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक चली थी। 1944 में अंग्रेजों ने पूर्वोत्तर में कौन सी जगह पर आजाद हिंद फौज को हराया था? तो 20 का राइट है कोहिमा। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री का भाषण कहाँ से होता है? तो लाल किले से होता है। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो सी इसका राइट है। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कब शुरू हुआ था? 1857 में हुआ था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर की वजह से जाना जाता है? तो ए इसका राइट है गैंडा। भारत की सबसे बड़ी शुद्ध पानी की झील कहाँ कौन सी है? तो वुलर झील है वो, जो कि जे एंड के में बहती है। स्वतंत्र भारत में राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन सी बनी थी? तो ए इसका राइट है सुचिता कृपलानी। मेघदूत के रचयिता का नाम क्या है? तो कालिदास। राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर हैं? तो राष्ट्रीय प्रतीक में है तुम्हारे 4 शेर हैं। सेट नंबर 38 फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो पुणे में स्थित है। विश्व का कौन सा देश सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन करता है? तो सी इज करेक्ट थाईलैंड। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? 12। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बिछेंद्री पाल थी। गोवा कब आजाद हुआ था? 1961 में। प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी कौन थी? रीता फारिया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। सन 2022 का कॉमनवेल्थ खेल किस देश में आयोजन किया जाना है? तो सी इसका राइट है साउथ अफ्रीका। नेहरू गोल्ड कप संबंधित है? नेहरू गोल्ड कप है हॉकी संबंधित। कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? तो सी इसका राइट है कला एवं अभिनय से। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको परास्त किया था, किसको हराया था? तो सेल्यूलस को हराया था। जमैका की राजधानी कौन सी है? जमैका की राजधानी है किंगस्टन। कौन सा ग्रह आकार एवं द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? तो शुक्र है। ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? तो 20 का राइट है कॉफी। चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो सुंदरलाल बेहुगुड़ू ने आरंभ किया था। सेट नंबर 39 फर्स्ट क्वेश्चन, कोई भी भारतीय नागरिक लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक और निर्यातक करता है कॉफी का। भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इनमें से कौन सा राज्य नहीं है? मुंबई एक राज्य नहीं है। भारत की प्रथम महिला शासन कौन थी? रजिया सुल्तान थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 20 का राइट है मदन मोहन मालवीय। मलेरिया बीमारी फैलती है, मलेरिया बीमारी फैलती है मच्छर से। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? सोयाबीन। किसने रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था? तो सी इसका राइट है पीवी सिंधु। सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो 20 का राइट है पश्चिम बंगाल। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। क्वेश्चन है, बनसागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो 20 का राइट है सोन नदी। मिजोरम की राजधानी है, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे? ए ओ ह्यूम थे। सेट नंबर है 40 फर्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? तो सिंधु घाटी का। निम्नलिखित में से किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ए इसका राइट है अमर्त्य सेन। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो डी इसका राइट है बैडमिंटन। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो सी इसका राइट है कर्नाटक। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? सी इसका राइट है 1974 से 79 तक। लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? 1 घंटे का होता है। साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रेंड है। स्वतंत्र भारत में संविधान के तहत पहला आम चुनाव कब किया गया था, करवाया गया था? 1951 से 52 में। हल्दी घाटी का युद्ध किस समय लड़ा गया था? तो 20 का राइट है 1576। भारत में रेल सर्वप्रथम कब चली थी? 1853 में।
दिल्ली किताब किसने लिखी है? दिल्ली किताब लिखी है खुशवंत सिंह ने। पंसिल समझौता इन देशों से संबंधित है। पंसिल हुआ था भारत और चीन में। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो है राकेश शर्मा थे। सेट नंबर 41, फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? तो सी इसका राइट है लॉर्ड हार्डिंग। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सी इसका राइट है स्पेन। मुद्रास्फीति एवं मुद्रा वृद्धि के समय धन की आपूर्ति बढ़ती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो 356 अनुच्छेद। डीजल लोकोमोटिव वर्कस कहां पर स्थित है? तो सी इसका राइट है वाराणसी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ए इसका राइट है अनुवांशिक कूट। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो सी इसका राइट है बिक्री कर। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो डी इसका राइट है गोविंद सागर। पृथ्वी के सबसे नजदीक वायुमंडलीय लेयर का नाम क्या है? तो सी इसका राइट है ट्रोपोस्फियर। बुध ग्रह कितने उपग्रह हैं? तो सी इसका राइट है जीरो, एक भी नहीं उसके। सम्राट अशोक के राज्यकाल का समय काल क्या था? बीस का राइट है 373 से 236 BC। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना इसकी हुई थी। विशाख डेसमंड टूटू का संबंध किससे है? तो एस का राइट है साहित्यकाल। श्वेत हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो एस का राइट है थाईलैंड। दक्षिण गंगोत्री ये नाम किससे जुड़ा हुआ है? सी इसका राइट है अंटार्कटिका। सेट नंबर 42, फर्स्ट क्वेश्चन। ईरान का पुराना नाम क्या है? तो पर्सिया नाम है इसका ईरान का। युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की महत्वपूर्ण रबी फसल है? तो ए इसका राइट है गेहूं। कायक एक प्रकार क्या है? कायक एक प्रकार की नौका है। बी इसका राइट है फिर। राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है? डी इसका राइट है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। हडसन नदी किस शहर में बहती है? सी इसका राइट है न्यूयॉर्क। सबेस्टल वेटल निम्न में से किससे जुड़े हैं? तो सी इसका राइट है मोटर खेल। मोंटेरा स्टेडियम कहां पर स्थित है? ए इसका राइट है अहमदाबाद। निम्न में से भारत को किसकी सदस्यता प्राप्त नहीं है? तो ए इसका राइट है G9 की। भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का नाम क्या है? निशांत नाम है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो ए इसका राइट है 1920। सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 45 तक हुआ था। अजंता गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ए इसका राइट है महाराष्ट्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ए इसका राइट है आंध्र प्रदेश। सेट नंबर 43, फर्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक खेल 2020 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ए इसका राइट है जापान के टोक्यो में। भारत में अब तक हरित क्रांति किसके संदर्भ में सर्वाधिक सफल रही है? तो ए इसका राइट है गेहूं। रंगभेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ए इसका राइट है नस्लों में भेदभाव। मेकबेथ ये नाटक किसने लिखी थी? तो बी इसका राइट है शेक्सपियर। अमरकंटक ये किस नदी का उद्गम स्थान है? तो डी इसका राइट है नर्मदा। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर। लोकसभा में शून्यकाल कितने घंटे का होता है? तो 1 घंटे का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। दक्षिण गंगोत्री ये नाम किससे जुड़ा हुआ है? सी इसका राइट है अंटार्कटिका से। निम्न में से भारत को किसकी सदस्यता प्राप्त नहीं है? तो ए इसका राइट है एशियन। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्ध विमान का नाम क्या है? तो डी इसका राइट है तेजस। लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? सिंधु घाटी का। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो डी इसका राइट डी है इनमें से कोई नहीं है। इनमें से किसे भारत रत्न प्राप्त नहीं है? तो डी इसका राइट इनमें से कोई नहीं, सबको मिल रखा है इनमें से। सेट नंबर 44, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो ए इसका राइट है 1920। श्री प्रणब मुखर्जी भारतीय गणतंत्र के कौन से राष्ट्रपति थे? तो डी इसका राइट है 13वें। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ए इसका राइट है पत्रकारिता। भारत अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका का कौन सा कानून विवादास्पद बना? तो 20 का राइट है हाइड एक्ट।
भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है? तो इसका राइट है न्यायमूर्ति भगवती। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? सी इसका राइट है ऑस्ट्रेलिया। टेस्ट मैचों की पहली विश्व चैंपियन किस वर्ष आयोजित की गई थी? 2017 में। WHO का मुख्यालय कहां पर है? तो डी इसका राइट है जिनेवा। चांद पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ए इसका राइट है 9 अगस्त 1942 को। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? सी इसका राइट है जे एल बेड ने। भारत की सबसे बड़ी शुद्ध पानी की झील कौन सी है? वुलर है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर पाई जाती है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा है बाहत। अभ्रक उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है? तो बी इसका राइट है भारत। भारत में रेल सर्वप्रथम चली थी 1853 में। सेट नंबर 45, फर्स्ट क्वेश्चन। सन 2022 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर आयोजित होगा? तो कतर में होगा। चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। भारत द्वारा हाल ही में दीप परासी प्रक्षेपास्त्र अग्नि थर्ड का परीक्षण किया गया, उसका परास क्षमता कितना है? तो 3500 किलोमीटर है। 2022 का विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजन होगा? दोहा में होगा। नाथुला एक स्थान है जहां पर 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार शुरू किया गया, वह भारतीय सीमा पर स्थित है। वो किस भारतीय सीमा पर स्थित है? तो ए इसका राइट है सिक्किम में। गोल गुंबज कहां पर स्थित है? तो सी इसका राइट है कर्नाटक। नारायणा कार्तिकेयर निम्न में से किससे जुड़े हैं? तो सी इसका राइट है कार रेस से। IAEA का मुख्यालय कहां पर है? तो बी इसका राइट है वियना। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो ए इसका राइट है 1920। भारत के द्वारा बनाए गए UAV का नाम क्या है? निशांत है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से जुड़ी हुई है? तो सी इसका राइट है नर्मदा। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 45 तक। निम्नलिखित में से किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ए इसका राइट है अमर्त्य सेन। एसज ये शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो डी इसका राइट है क्रिकेट। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 2015 में हुआ था नीति आयोग का, ठीक है। और इसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री। सेट नंबर 46, तिरंगे झंडे में अशोक चक्र की तिल्लियां कितनी होती है? तो 24। बुल्स आई का संबंध किस खेल से है? तो बी राइट है निशानेबाजी। पृथ्वी के उपग्रह हैं एक चांद। चीन और भारत के बीच की सीमा क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। सबसे अधिक ताप वाला ग्रह कौन सा है? ए इसका राइट है बुध। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डी इसका राइट में कोई नहीं है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 का राइट है 8 अक्टूबर। कोकाड मंदिर कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। 8वें का डी हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका है। ए इसका राइट है। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? भीमराव अंबेडकर। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो 11वें का आपका बी हो जाएगा, हॉकी। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो डी इसका राइट इनमें से कोई नहीं है। इनसे केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है? तो सी इसका राइट है पांडुचेरी। दमन और दीव की राजधानी क्या है? तो दमन है इसकी राजधानी। अगला है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। सेट नंबर 47, फर्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ए इसका राइट है कैस्पियर। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? शुक्र राइट है इसका। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? 20 का राइट है भूमध्य रेखा। पिछोला झील भारत के किस शहर में स्थित है? तो 20 का राइट है उदयपुर। राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं? राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं? तो ए इसका राइट है 340। पेनल्टी किक किस खेल से संबंधित है? तो ए सी इसका राइट है फुटबॉल। झारखंड की राजधानी क्या है? तो सी इसका राइट है रांची। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? भारत का राष्ट्रपति। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। ए इसका राइट है। किस देश को नील नदी का वरदान प्राप्त है? तो सी इसका राइट है इजिप्ट। भारत के संविधान का मूल पत्र तैयार करने के लिए समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ए इसका राइट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 20 इसका राइट है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? 1 घंटे का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो तबला। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त को। त्रिपुरा राज्य को कितने भारतीय राज्यों की सीमा छूती है? तो 20 का राइट है 2।
निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो सी इसका राइट है मिजोरम। से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो बी इसका राइट है नर्मदा। सेट नंबर 48, फर्स्ट क्वेश्चन, सन 1853 में पहली रेलगाड़ी किस जगह चली थी? तो वो चली थी बम्बई से ठाणे तक। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो इनमें से बी गलत है। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? तो ए इसका राइट है बौद्ध धर्म। निशान ए पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिली थी? तो बी इसका राइट है मोरारजी देसाई को। बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? तो सी इसका राइट है कथक नृत्य के लिए। खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है? तो बी इसका राइट है हिंदू मुस्लिम एकता। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो सी इसका राइट है अफगानिस्तान। भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा है? तो बी इसका राइट है आर्यभट्ट। भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी वर्ष हो सकती है? तो डी इसका राइट है इनमें से कोई नहीं है। भारत में दिए जाने वाले सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार कौन सा है? तो बी इसका राइट है परमवीर चक्र। आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? तो सी इसका राइट है 1896। भारतीय सेना के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? सी इसका राइट है अर्जुन। चेतक किस राजा के घोड़े का नाम था? तो डी इसका राइट है महाराणा प्रताप। गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है? तो बी इसका राइट है जयपुर है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो डी इसका राइट है संतूर। सेट नंबर 49, फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा है? तो डी इसका राइट है लोथल। क्वेश्चन है, दीपिका कर्माकर किस खेल संबंधित है? तो डी इसका राइट है जिमनास्टिक। हॉटलाइट एक क्या है? एक दूरसंचार कड़ी है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो 356 अनुच्छेद। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो डी इसका राइट है ईद उद मिलाद। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सी इसका राइट है सरोजनी नायडू। संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध किससे है? ए इसका राइट है बिक्री कर से। भूटान की राजधानी है, भूटान की है थिम्फू। म्यांमार किसका नाम है? तो सी इसका राइट है बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया था? डी इसका राइट है जॉन डॉल्टन। मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच में है। भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? बी इसका राइट है गुप्त काल। किसने घोषणा की स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत है और इसे मैं लेकर रहूंगा? तो ए इसका राइट है बाल गंगाधर तिलक। भारत में कौन से अन्न की सबसे अधिक पैदावार होती है? ए इसका राइट है चावल। सेट नंबर 50, भारत में कबड्डी संघ के अनुसार कबड्डी के मैदान का माप मीटर में क्या होना चाहिए? डी इसका राइट है 13×10। युद्ध पोतों का निर्माण भारत में कहाँ होता है? डी इसका राइट है मझगांव में होता है। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? डी इसका राइट है इनमें से कोई नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सी इसका राइट है जवाहरलाल नेहरू। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो ए इसका राइट है डायनेमो। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो सी इसका राइट है बिक्री कर। गोदान उपन्यास के रचयिता कौन थे? तो बी इसका राइट है मुंशी प्रेमचंद। आगरा से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग गुजरता है? तो ए इसका राइट है NH2। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो डी इसका राइट है आंध्र प्रदेश। एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? सी इसका राइट है होम रूल। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। दीपिका कुमारी किस खेल कूद से जुड़ी है? तो बी इसका राइट है तीरंदाजी। पर्वतीय स्थल कसौली किस राज्य में है? ए इसका राइट है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ए इसका राइट है बेगम ऑफ अवध। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सी इसका राइट है गोवा। ओके फ्रेंड्स, ये हमने राम सिंह यादव बुक की सामान्य ज्ञान को ही पूरा कंप्लीट कर लिया। सामान्य ज्ञान के हमने टोटल 50 सेट कंप्लीट कर लिए और सामान्य विज्ञान के भी हमने 50 सेट कंप्लीट कर लिए और मैंने मैथ के पूरे 50 सेट पूरे कंप्लीट करवा रखे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।